पिज्ज़ा ना मैं पहली बार खा रही हूँ तो इसलिए मुझे नहीं पता इसमें कैसा क्या कुछ टेस्ट है। तो ये वाला पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे जहाँ पे ये चरखा था वगैरह। एंड यहाँ ग्राउंड फ्लोर में ना बहुत सारी हिस्ट्री लगाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस शिमा, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे और खैरियत से होंगे। हमारे कश्मीर में ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको ट्राउट फिश देखने को मिलेंगे। खाली देखने के लिए नहीं, आप यहाँ ट्राउट फिश खा भी सकते हैं। तो सबसे पहले जा रहे हैं हम अंदर की तरफ। तो ये है मेन गेट जहाँ से हम जा सकते हैं अंदर रेस्टोरेंट की तरफ। और जो है राइट साइड से आप देख सकते हैं, तो ये यहाँ से गंडोला निकलता है जो श्राइन की तरफ जाता है, और ये राइट साइड से आता है और लेफ्ट साइड से रेस्टोरेंट आता है। अगर आपको गाड़ी कुछ साथ है तो आप यहाँ सीधे अंदर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग के लिए स्पेस है, बाहर रखने की जरूरत नहीं है। तो ये इस वाले रेस्टोरेंट में हमें जाना है अंदर। तो सबसे पहले हम जाते हैं ट्राउट फिश जहाँ पे लाइव देखने को मिल रहा है ना, तो हम जा रहे हैं सबसे पहले उधर वहाँ। तो उसके बाद हम जा रहे हैं अंदर रेस्टोरेंट की तरफ। तो गाइज ये आप देख सकते हैं कश्मीरी ट्राउट, एंड मैं आपको दिखाती हूँ, जूम करके मैं दिखाती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ आगे जाने से, मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। तो जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ, वेट। सो ये आप देख सकते हैं, हाँ कितनी अच्छी लग रही है। अगर आप घर भी लेना चाहते हो तो आप घर भी ले सकते हैं, खरीद के आप घर भी ले सकते हैं। तो हाँ जी गाइज, ये हम लाइव हमने यहाँ पे देख लिया। मुझे लगता है यहाँ पे किसी रेस्टोरेंट में ऐसा नहीं है जहाँ पे लाइव भी देखने को मिल रहा है और खाने के लिए भी मिल रहा है। तो मुझे तो नहीं पता है, लेकिन अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में बताना, कि अगर और कई जगह पर है तो मुझे बताना। सो अभी फ़िलहाल हम जाते हैं अंदर की तरफ। और तो हाँ जी गाइज, ये इस रेस्टोरेंट का ग्राउंड फ्लोर है और ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। ये आप देख सकते हो कश्मीरी ट्राउट। अगर आप यहाँ पर भी बैठ के कुछ ऑर्डर करना चाहते हो तो आप यहाँ पर भी बैठ के ऑर्डर कर सकते हैं। तो हाँ जी गाइज, हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो ऊपर जाना है यहाँ से, और हम आज देखते हैं कि यहाँ पे इनमें स्पेशल क्या रखा है आज के लिए। तो चलते हैं चलते हैं। सो अभी फ़िलहाल हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या स्पेशल है आज का। तो ये आप देख सकते हो टुडे स्पेशल, तो खुद ही देखना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है तो इसलिए मैं वीडियो नहीं उठा पाई अंदर। तो अभी फिलहाल हम बाहर की तरफ आ रहे हैं। सो गाइज लुक एट दिस, वाओ दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस गाइज। शायद मैं वो कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ जो मेरी आँखें देख रही है ना, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अभी मैं अपने लिए स्पेस ढूंढती हूँ। स्पेस तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, बट धूप की वजह से ना इंसान इरिटेट होता है, तो इसलिए मैं छाँव ढूँढ रही हूँ, बट छाँव नहीं है। तो अब हम मैं धूप में ऐसी बैठ गई, लेकिन हवा भी चल रही है तो ठीक ठाक है यहाँ पर। तो हाँ जी गाइज, हमने ऑर्डर कर लिया, लेकिन ऑर्डर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम तो इसलिए लगेगा क्योंकि वो आज का स्पेशल नहीं है। अगर वो आज का स्पेशल होता तो थोड़ा सा कम टाइम लगता, लेकिन हमने कुछ और ही ऑर्डर किया, उसमें आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन हमने बोला ओके, ऑर्डर में जितना टाइम लगेगा कोई मसला नहीं, हम वेट करेंगे। क्योंकि हम वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ना हमें काफ़ी मज़ा आया, इसलिए हमने सोचा कि चलो बैठते हैं यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हुआ यहाँ पे बैठे हुए। इस व्यू का ना हमने बहुत अच्छे से मज़ा उठाया। तो हाँ जी गाइज, मैं आप लोगों को यहाँ का मेन्यू दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मेरी तरह जो किसी रेस्टोरेंट में जाने से पहले मेन्यू देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या कुछ है वहाँ पर, तो तब जाके वहाँ उस रेस्टोरेंट में जाते हैं। सो और आपको जो भी इसमें पसंद है आप देख सकते हो, प्राइस भी देख सकते हो, साथ साथ में मैंने कैप्चर किया है प्राइस, सो आप ये भी देख सकते हो। एंड इसके बाद ये देख सकते कितनी अच्छी लग रही है। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको खाली ट्राउट नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको ट्राउट के अलावा भी और बाकी सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे सूप मिलेगा आपको। एंड सूप में क्या कुछ है तो आप ये देख सकते हो। एंड तंदूरी में क्या है, तंदूरी अफगानी चिकन आता है, चिकन टिक्का आता है, एंड ईरानी टिक्का आता है, वो भी आप देख सकते हो। प्राइस वगैरह जो भी आपको पसंद है। एंड लुक एट दिस, वाओ ये कितनी अच्छी है। एंड मेन कोर्स में क्या आता है, मेन कोर्स में आता है देख सकते हो, पढ़ सकते हो यहाँ पे, बटर चिकन जिसको भी पसंद है वो यहाँ पे देख सकता है, प्राइस देख सकता है। एंड जो भी पसंद है आप वो देख सकते हो, प्राइस का मैंने इसलिए
ये यहाँ पे मैंने सोचा चलो हम अभी बैठे हैं तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का मेन्यू दिखाते हैं। एंड बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि ये ट्राउट रेस्टोरेंट है तो शायद वहाँ पे ट्राउट नहीं, यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें भी, जैसे कि पास्ता, मैंने आपको अभी सूप दिखाया और पास्ता भी मिलता है, पिज़्ज़ा भी मिलता है और पिज़्ज़ा का सबसे ट्राउट क्लासिक पिज़्ज़ा मिलेगा यहाँ पे। एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगा, चिकन चिकन पिज़्ज़ा, वो तो हम प्लेन चीज़ मिक्स वेज एंड क्या मिलता है यहाँ पे, हाँ तो चाइनीज़ भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, चिकन कीमा रोल मिलेगा, मटन कीमा रोल मिलेगा, रोल में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें मिलती है यहाँ पे। जब हम घर में ही देख के आते हैं ना मेन्यू, तो हमें बहुत आसानी हो जाती है कि ढूंढने में कि हमें क्या, हम बहुत जल्दी बोलते हैं, हम जल्दी बोलते हैं उसको कि हम ये चाहिए, जब हमें पता होती है कि मेन्यू में क्या है। एंड दिस ये और टी वी आपको यहाँ पे आपको मिल सकती है, हॉट बेवरेज भी आपको यहाँ पे मिल सकता है, टी वी टी में भी हॉट मिल्क जो भी आपको पसंद है आप देख सकते हो इसमें क्या कुछ है। तो डेजर्ट्स आपको मिलेगी यहाँ पे और बस बाय बाय। तो फाइनली गाइस इंतज़ार की घड़ी ख़त्म और हमारा जो हमने जो ऑर्डर किया था वो आ चुका है, हमारे सामने है अभी, तो ये आप देख सकते हो। तो अभी हम, हमें काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगी है तो अभी हम सबसे पहले पेट पूजा करते हैं। तो ये वाला पिज़्ज़ा ना मैं पहली बार खा रही हूँ तो इसलिए मुझे नहीं पता इसमें कैसा क्या कुछ टेस्ट है, तो मैं पहले सर्व करती हूँ, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कैसा कुछ टेस्ट है। चलिए करते हैं स्टार्ट, बिस्मिल्लाह। इसमें ना जो चीज़ है वो बहुत कम है, अगर ये थोड़ा सा और डाल देना तो शायद मज़ा आता, खैर छोड़ो। तो हाँ जी गाइज हमने खा लिया अच्छे से और अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, लेकिन घर की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फर्स्ट फ्लोर अच्छे से, क्योंकि मैंने आने के टाइम अच्छे से नहीं दिखाया था, तो अभी मैं फिलहाल आपको पूरा दिखाती हूँ, तो उसके बाद मैं यहाँ से निकलती हूँ घर की तरफ। सिटिंग अरेंजमेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ, और ये वाला पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जहाँ पे ये चरखा था वगैरह। एंड यहाँ ग्राउंड फ्लोर में ना बहुत सारी हिस्ट्री लगाई हुई है, अगर किसी को हिस्ट्री पढ़ना पसंद है ना तो वो यहाँ आके पढ़ सकता है अच्छे से। तो गाइज आप लोगों को मैं पहले ये दिखाती हूँ, ये मुझे पहले दिखाना था लेकिन मैंने एंड में दिखाया, कोई बात नहीं, इट इज़ ओके। सो डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म कश्मीर रेस्टोरेंट जनाब परवेज दीवान आईएएस। सो गाइज हम अब चलते हैं घर की तरफ, और अगर आपको थोड़ा सा भी व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और हाँ सब्सक्राइब करना। Yeah, she asked for something beautiful.